नमस्कार तमाम भट्टू दर्पण न्यूज चैनल दर्शकों को। अगर आप भट्टू दर्पण न्यूज चैनल के समाचारों के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें व शेयर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94-666-91-540। आज के मुख्य समाचार। भट्टूकला में संयुक्त किसान मोर्चा व किसान सभा ने अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग करते हुए मंगलवार को राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार बलराम जाखड़ को ज्ञापन सौंपा। किसान सभा जिला सचिव विष्णुदत्त शर्मा ने के नेतृत्व में पहले ताऊ देवीलाल टाउन पार्क में बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता मास्टर हनुमान सिंह ने की, जिसमें सरकार द्वारा अग्निपथ योजनाओं के माध्यम से सेना भर्ती में 4 साल के लिए अग्निवीर के नाम पर युवाओं को अवसर देने के इस योजना को गलत करार दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि सैनिक सम्मान के रूप में युवाओं को नियमित भर्ती की देने के स्थान पर सरकार उन्हें अनुबंध के आधार पर रखना चाहती है, जो युवाओं के साथ अन्याय है। इस योजना को तुरंत रद्द कर सरकार को बेरोजगारों के लिए स्थायी रोजगार भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए। इस अवसर पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सदस्यों ने नायब तहसीलदार परिसर में पहुंचकर नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मनोहर लाल, बनवारी लाल, मांगे राम, साधु राम, अभय सिंह, भाल सिंह, प्रवीण कुमार, गुरमीत सिंह, विष्णु सिंह, मोनू सहित अनेक लोग मौजूद रहे। राजकीय संस्कृत मॉडल स्कूल भट्टूकला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खंड स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला उप पुलिस अधीक्षक चंद्रपाल ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ नागरिक शिवचंद बाना ने द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके अध्यक्षता खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विश्वजीत सिंह जांगड़ान की देखरेख में आयोजित हुआ। मास्टर ट्रेनर चित्रंजन शर्मा, नंबरदार अनिल साई, मास्टर राजेश बेणीवाल, दारा सिंह ने योग साधकों को योगाभ्यास करवाया। इस दौरान पौधारोपण भी किया गया। वहीं गांव ढिंगसरा में भी योग दिवस मनाया गया, जिसमें नशा मुक्त अभियान के सोचक डॉक्टर एनडी शर्मा ने भाग लिया। वहीं गांव ढांड की गौशाला में भी साधकों ने योग अभ्यास किया। गांव रामसरा की आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी वर्कर कांता व हेल्पर प्रियंका रानी के नेतृत्व में छोटे बच्चों ने योगासन किया। इस अवसर पर डीपीई सतवीर सिंह, पीटीआई मैना देवी, लेखाकार धर्मपाल रविंद्र ढाका, नरेंद्र लूणा, खुशी एक उम्मीद के चेयरमैन गोपाल बंसल, बाबूलाल सोनी, अपार सिंह नागरमल, डॉक्टर सोनू वेद प्रकाश, देवदत्त सहित अनेक लोग मौजूद रहे। रामसरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कांता देवी, रोशनी व लक्ष्मी ने महिलाओं को व बच्चों को योगासन करवाया। इस अवसर पर हेल्पर प्रियंका रानी, मंजू देवी, जसविंदर, पिंकी, बादो, कांता, भावना, तानिया, दुष्यंत सहित अनेक लोग मौजूद थे।